Namaste friends, again welcome to my channel. आज मैं आपको palmitic acid से कितनी energy generate होगी उस बारे में बताने वाला हूँ. तो चलो चलते हैं. एक palmitic acid से कितनी energy generate होती है उस बारे में जानते हैं. Palmitic acid, it is a fatty acid. Palmitic acid की ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी जनरेट होने वाली और palmitic acid is the fatty acid. Fatty acid के ब्रेकडाउन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, दैट इज बीटा-ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. दैट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको रेफर करना है तो आप उसे उस लिंक से जाके रेफर कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. पामिटिक एसिड कितनी एटीपी जनरेट करेगी. पामिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन द पामिटिक एसिड? 16 कार्बन एटम्स. ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पामिटिक एसिड एट इनिशियल स्टेज देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड. उस दरमियान दो एटीपीज वहां पे यूटिलाइज होने वाले हैं. एटीपीज कन्वर्टेड टू एएमपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. दैट इज द एक्टिवेशन स्टेज ऑफ फैटी एसिड. और लास्ट स्टेज में दो कार्बन एटम फैटी एसिड से रिमूव होने वाले. पामिटिक एसिड से दो कार्बन एटम्स रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए. और रिमेनिंग फैटी एसिड कोए अगेन री एंटर्स इनटू द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. इस प्रोसेस में एक एफिडेज टू रिमूव होगा और वो एक एनएडीएच मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी 5 एटीपीज यहाँ पे जनरेट होंगे एक रिएक्शन साइकिल में. अब ये रिएक्शन साइकिल कितनी बार रिपीट होगी? यहाँ पे पामिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स है, यानी कि ईच रिएक्शन साइकिल में दो कार्बन एटम रिमूव होने वाले इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए. तो दो कार्बन एटम एक ईच रिएक्शन साइकिल में रिमूव होंगे. तो कितने कितने बार रिएक्शन साइकिल होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन टाइम्स. मीन्स 7 टाइम्स एफिडीएच टू इज जनरेटेड, 7 टाइम्स एनएडीएच इज जनरेटेड. मीन्स इन दिस प्रोसेस 35 एटीपीज आर जनरेटेड और ईच रिएक्शन साइकिल में एसिटाइल कोए जनरेट होने वाला है. एंड दैट एसिटाइल कोए एंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल. वन क्रेब साइकिल से 12 एटीपी जनरेट होंगे. उस बारे में भी मैंने क्रेब साइकिल के बारे में मैंने सेपरेट एक वीडियोस बनाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है. अगर आपको जानना है तो वहां से आप जा सकते हैं. एक क्रेब साइकिल से 12 एटीपीज जनरेट होंगे और कितने एसिटाइल को यहाँ पे जनरेट होने वाले? सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दो दो कार्बन एटम यहां से रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए. कितने टाइम एसिटाइल कोए जनरेट होंगे? 8 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन दिस साइकिल. और एक एसिटाइल कोए क्रेब साइकिल से कितने एटीपी जनरेट करेगा? 12, यानी 12 × 8 96 एटीपीज आर जनरेटेड. मीन्स टोटल गेन ऑफ एटीपीज आर 131, 96 + 35. और इनिशियल स्टेज में एनर्जी यूटिलाइज होने वाली 2 एटीपीज आर यूटिलाइज और 135 एटीपीज आर जनरेटेड. मीन्स फ्रॉम वन पामिटिक एसिड मॉलिक्यूल जनरेट्स नेट गेन ऑफ एटीपीज आर
131 minus 2 ATPs. Total ATP generated from palmitic acid is 129 ATPs. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।